जी का जन्मदिन तरह तरह से मनाया जा रहा है और हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरपर्सन सुषमा गुप्ता एक खास मुहिम चलाई है। दरअसल ये परसोन का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं कि ऋषि पराशर ने यहाँ तप किया था। लाखों वर्ष पुराना मंदिर है और उसी स्थिति के चलते हुए यहाँ लोग बंदरों को जो दाना पानी डालते हैं या खाने के लिए देते हैं पॉलीथीन में लेके आते हैं। सुषमा गुप्ता जी ने ये सोचा है कि इस दिन को खास तौर से उस मुहिम के तरह लिया जाए कि यहाँ पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो। सुषमा जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सभी से अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ। हमने यहाँ देखा, ये आते हमारे सैर करने आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये बंदरों को खाना डालते हैं। बहुत ज़्यादा लंगूर भी है, बंदर भी बहुत ज़्यादा है, पन्नियों में लाते हैं, फिर वो पन्नी जो होती है वो गाय माता खाती है। तो हमारा यही है कि बिना पन्नी के या तो थैलों में लेके आएँ डालें, और जहाँ पन्नी लाते अपने साथ ही लेके आएँ, आप छोड़े नहीं किसी के लिए, ताकि कोई गाय माता वगैरह मुँह में नहीं डालें, तो इसलिए उसको बहुत नुकसान देते हैं कैंसर। जी बिल्कुल नुकसान करती है। ऋषि पराशर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, जिस तरह से अरावली लाखों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है, हमारी धरोहर है, और पॉलीथीन इसको बड़े नुकसान करती है, ऐसे में ये अपील करना कि पॉलीथीन में खाने के लिए ना लाएं, उसका प्रतिबंध करें, कैसे देखते हैं आप? प्रभु, हमारे यहाँ लंगूर सारे आते हैं छत पे, वहाँ मैं सामान डालता हूँ, लोग आते हैं, लोगों को बोलता हूँ मगर वो सुनती नहीं। हम उसको अपना इकट्ठा करके जैसे भी जलाना होता जलाते हैं। मैं अब बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं करूँ। मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो प्लास्टिक में ना लाएं, और जो सामान लाते हैं जैसे छिलके वगैरह होते हैं उसकी साफ करके जाएँ, सफाई करके जाएँ, और प्लास्टिक बंद कर देंगे तो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो मोदी के जन्मदिन पर एक खास मुहिम ये शुरू की गई है, खासकर अरावली को इस तरह के पॉल्यूशन से बचाने के लिए। पॉलीथीन बहुत नुकसानदायक है, और उसी के तहत ये आज एक विशेष मुहिम यहाँ से शुरू की जा रही है कि पॉलीथीन मुक्त अरावली हो। यहाँ लोग खाने के लिए कुछ लाएं तो कम से कम पॉलीथीन में ना लाएं, लाएं तो वापस ले जाएं। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।